हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई एम सो सॉरी, मैं लास्ट 2 वीक से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही, कोई शॉर्ट्स भी नहीं अपलोड करी, बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे वायरल हो गया था। सो नाउ आई एम फाइन। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, ज़ारा हॉल, जो कि मैंने कुछ ड्रेसेस मंगाई थी, नहीं नो गोवा वेकेशन पे जाने वाली थी मैं, बट समहाउ मैं नहीं जा पाई, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। सो आज के वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो कॉमेंट्स में बताना ज़रूर कि कौन सा आज के वीडियो में जो सबसे पहला स्कट होने वाला है। सो या आप देख सकते हो, ये मैंने इसका टैग भी नहीं हटाया अभी तक, स्टिल इसमें टैग लगा हुआ है। मैंने इसको ऐसे मंगाया और ऐसे पड़ा हुआ था वार्डरोब में काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 मंथ हो गए हैं इसको मंगाए हुए मुझे। और ये काफ़ी बहुत अच्छा है इसको टैंक टॉप के साथ, क्रॉप टॉप के साथ, बीच पे या फिर ऐसे भी आप इसको कहीं घूमने जा रहे हो या ऐसे भी आप इसको कैजुअली इसको वेयर कर सकते हो। ऑल्सो इसको आप फॉर्मल तरीके से भी वेयर कर सकते हो। और इसका प्राइस ये अंडर 2000 के, इसका प्राइस है, इसको मैंने लिया था, नहीं इसको मैंने लिया था 3559 रुपीज़ में इसको परचेस करा था। एंड मैं मेंशन कर दूँगी प्राइस। और ये काफ़ी अच्छा है, यू नो मुझे बहुत अच्छा लगा था, सो मैंने इसको लिया था ज़ारा से। एंड आप इसको वाइट ब्लैक टॉप के साथ पेयर करो, बहुत अच्छा लुक आता है, जैसे कि मैंने, आप देख रहे हो साइड में मैंने इसको पेयर किया हुआ। Q2 सा बैग, साइड बैग, ये मैं बहुत टाइम से देख रही थी। ओके, मैंने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को देख रखा था इसको, यू नो परचेस करते हैं लोग। सो मेरे पास इसमें ब्लैक कलर में तो ऑलरेडी था, पर मुझे इस कलर में चाहिए था, बीज कलर ही बोलते हैं ना, या सो मुझे ये कलर चाहिए था। सो इसको मैंने लिया और इसका टैग मैंने निकाल दिया है। इसका प्राइस समथिंग अराउंड, मुझे सेल में मैंने लिया था, तो मुझे आई थिंक ये 1569 रुपीज़ पड़ा हुआ या। सो ये भी बहुत क्यूट सा है, आप इसको ले सकते हो। एंड उसके बाद हमारे पास है ये सुंदर सा ट्राउज़र, इसमें भी टैग नहीं हटा अभी तक, क्योंकि मैंने इसको पहना ही नहीं एक बार भी। और ये है, हाँ ये तो यार ये थोड़ा सस्ता है, ये है 1999। सो ये बहुत ही प्यारा है, इसमें फ्लेड काफ़ी अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल आप इसको पहन सकते हो। इसको भी आप फॉर्मल कैजुअल आप इसको स्टाइल कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको टैंक टॉप के साथ पहनो, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वी हैव दिस शर्ट, ये शार्टन मटेरियल है आई गेस, मैं सही बता रही हूँ, मुझे यार मटेरियल का कुछ पता नहीं। और इसको मैंने बहुत बार पहना हुआ है, लिटरली मैंने इसको मैंने जितनी भी शॉपिंग की है ज़ारा से, मुझे लगता है मैंने इस शर्ट को मल्टीपल टाइम्स पहना हुआ है, इसको मैंने घस दिया है पहन पहन के। तो ये आप फॉर्मल कैजुअल कैसे भी पहनो, और मैं इसको यूजुअली ऑफिस पहन के जाती हूँ ज़्यादा। सो या मैंने इसको इसको मैंने लिया था, इसका प्राइस ये था 1599 या ये वो, लेकिन बहुत अच्छा है इसको मैंने बहुत बड़ी ऐसे ही रफली वॉश किया है, पर ना कलर गया है, ना एक मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, और ये बहुत प्यारा, ये आप इसको ट्राउज़र के साथ पेयर करो, मस्त मज़ा आ जाना है। ओके, नेक्स्ट भाई हमारे पास दूसरा ट्राउज़र है, और ये ट्राउज़र भी बहुत अच्छा है, इसको भी मैंने नहीं अभी तक पहना है एक बार भी, इसमें भी टैग लगा हुआ ही है। एंड इसकी प्राइस है 1899, अंडर 2000, बहुत अच्छा है, ऑफिस फॉर्मल कैजुअल आप इसको कैसे भी स्टाइल कर सकते हो, बहुत अच्छा लगने वाला है ये। और ये मैंने मैक्सी ड्रेस ली थी ज़ारा से, जिसको मैंने बहुत बार पहना है, बेचारे की हालत ख़राब हो रखी हुई है। इस ड्रेस को परचेस करने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था, इसमें एक बेल्ट थी जो अनफॉर्चुनेटली मुझे रिसीव नहीं हुई। यस, मैं मुझे बेल्ट नहीं मिला था, मैंने इसे जब देखा ना वेबसाइट पे ज़ारा के, तो मुझे लगा यार इसकी बेल्ट काफ़ी कूल लग रही है, तो मैंने इसलिए इसको ख़रीदा, बट इसमें बेल्ट नहीं आई थी। सो मैंने इसको ऐसे वेयर किया है, बहुत भारी पहना हुआ है, ये भी अच्छा है। ये पड़ा था मुझे, इसको मैंने पहना, इसका प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा, मैं मेंशन कर दूँगी, बट मटेरियल वाइज काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल है, इसको भी आप ऑफिस में पहन सकते हो या अदरवाइज इसको कैजुअल फॉर्मल आप कैसे भी स्टाइल कर सकती हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस हॉल में मुझे लगता है मैंने इस साल ना स्कर्ट्स बहुत खरीदे हैं यार, मतलब लिटरली मैंने मीशो पे मैंने इतनी सारी स्कर्ट्स मंगाए, मज़ा ही आ गया, उसके बाद से मैं स्कर्ट्स के पीछे ही पड़ी हुई हूँ। सो ये मुझे बहुत क्यूट लगा था, इसको मैंने इतना फोल्ड करके रखा था, सो
में क्रीज पड़ गए हैं, इसकी हालत ख़राब हो गई है, पर इसको मैंने एक बार भी पहना नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, इस पर भी टैग लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है इस पर भी। और ये मैंने लिया था 299, यस 299। बट ये यार थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट है, सी थ्रू है, तो यू नो मैं इसमें थोड़ा सोच रही हूँ इसको कैसे पहना जाए, बिकॉज यू नो शेपर के शेपर तो यूज़ करना ही पड़ेगा, बट ये दिखेगा। बट इसका कलर बहुत अच्छा है, प्रिंट आई जस्ट लव इट, प्रिंट बहुत अच्छा है, मटेरियल बहुत अच्छा है, ऑल ओवर ये बहुत अच्छा है। और अभी इसको वॉश तो नहीं किया, अभी देखते हैं कैसा होता है। इसके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड भूलना मत सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना एंड कमेंट्स भी करना, बताना कौन सा अच्छा लगा, अच्छा लगा तो क्यों नहीं लगा, सब बताना मुझे प्लीज़। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे ऑल ऑफ यू।